बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इजाफा हो गया है, गोल्ड के रेट के अंदर भी इजाफा हो गया, डॉलर के रेट के अंदर भी इजाफा हो गया। मजीद क्या करना चाहिए, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बरवकत पहुँचती रहें। तो जनाब कैसे है, ठीक ठाक है, से तबीयत ठीक है। तो जनाब अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई 2357 डॉलर फी औंस के करीब करीब ओपन हुई, जिसने 2363 का हाई लगाया और फिर 2354 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट 2362 के करीब करीब चल रही है। अगर बात करें आज की सपोर्ट की, तो आज की सपोर्ट है इसकी 2344 डॉलर फी औंस और इसकी रेजिस्टेंस है 2376 डॉलर फी औंस। इसकी रेजिस्टेंस है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डेटाज हैं जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। सबसे पहला डाटा 2:40 पर यू एस FOMC मेम्बर विलियम्स की स्पीच है। उसके अलावा 5:30 पर कैनेडा का एक इम्पॉर्टेंट डाटा है और फिर यूएसए एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं और यूएसए नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और यूएसए एम्प्लॉयमेंट रेट है और फिर 10:15 पर यूरोप की ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है और फिर 8:00 फेड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। ये सारे डेटाज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि मार्केट को मज़ीद भी ऊपर लेके जा सकते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं। इस वक्त एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत मार्केट नीचे आने के। और जो 5:30 पर जो डाटा है ना एम्प्लॉयमेंट चेंज का, ये वाला डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा मार्केट को कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात करेंगे इंटरबैंक की, इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 278.30 हो गया है और स्टॉक मार्केट भी अपने लेवल्स पे हाई पीक पर चल रही है, 80,400 पॉइंट्स के ऊपर चल रही है। पटूर के रेट के अंदर भी इजाफा हो गया है 2,44,700 रुपये। अच्छा, इस वक्त की सजेशन क्या है, काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि आप तो कुछ टाइम पहले सेलिंग का मशवरा दे रहे थे, अभी दोबारा से रेट बढ़ रहा है, अब क्या करना चाहिए, अब हमें दोबारा से उठा लेना चाहिए। तो देखें, मैं आपको हर बात का जो है ना, मैं आपको एक पूरा सोल्यूशन बताता हूँ। देखें, जिन लोगों ने 2,43,000 में 2,42,000 रुपये में सेल कर दिया है, उन लोगों से मेरी ये सजेशन है कि वो लोग सब्र करें, ठीक है। जिन लोगों ने अभी सेल नहीं किया है वो लोग इस वक्त वेट करें, ठीक है। थोड़ा सा आज 5:30 जो है ना इसका डाटा बहुत अहम है, ठीक है। उसके बाद आपने स्लॉट्स की सूरत में सेल करना है। और मैं हमेशा आपको कभी भी ये नहीं कहता, कोई मुझसे पर्सनल भी पूछ रहा होता है कि हम सेल कर दें या नहीं कर दें, मैं उनको पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी मैं ये कहता हूँ कि आप स्लॉट्स में थोड़ा थोड़ा करके सेल करें। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही पीस होता है, फिर उन लोगों के लिए उन लोगों की मजबूरी है कि वो फिर इकट्ठा ही सेल कर सकते हैं और इकट्ठा ही जो है ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्लॉट्स की सूरत में देते हैं लेते हैं तो आपको इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। देखें, अगर आपने 3 स्लॉटें बनाई होती और 41 में एक बेचते, 42 में बेचते, 44 में बेचते और रेट अगर नीचे आ जाता तो आपको उसी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉफिट भी हो सकता था। अभी मज़ीद सजेशन यही है कि आप थोड़ा सा वेट करें शाम तक का, और हफ्ता इतवार रेट के अंदर थोड़ा सा इजाफा होता है, ठीक है। इस इजाफे के अंदर एवरी टॉप हमने सेल करना है और फिर आगे मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम के हवाले से छुट्टियां होती हैं और डिमांड और सप्लाई का मसला होता है, ठीक है, काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, इसलिए रेट नीचे आता है। और इस वक्त माफिया रेट, वैसे माफिया रेट बढ़ाता नहीं है, ठीक है। देखिए, अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है और वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है, इस तरह होता नहीं है। अभी इस वक्त रेट माफिया बढ़ा रहा है, इस बात की इंडिकेशन है कि माफिया अपना गोल्ड निकालेगा महंगा करके और फिर आगे मुहर्रम का बहाना बना के, मुहर्रम को लेके, ठीक है, इसको रेट को नीचे लाएंगे और दोबारा से नीचे जो है ना इसकी हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला नुकसान से बचाएगा, दुरुस्ती पढ़ के आपने अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करना है। तो जनाब आज की तारीख में US डॉलर है 280 का, सऊदी रियाल 74.10, UK पाउंड है 354, यूरो है 300, UAE दिरहम है 75.95, बाकी करेंसी रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तो जनाब आज की तारीख में पीस का रेट है 2,44,700 रुपये, रवे का पठूर का रेट है 2,41,700 रुपये, 22 कैरेट फीस तोले का रेट है 2,24,308 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,14,112 रुपये, चांदी का फी तोला रेट है 2,870 रुपये फी तोला, इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 278.30 पैसे, स्टॉक मार्केट 80,400 पॉइंट्स के ऊपर चल रही है जो कि प्लस हुआ है 116 पॉइंट, और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है
2,54,900 रुपये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 कैरेट 21 कैरेट खालिद उदय विराट बनवाना चाहते हैं, उस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।